हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मेट्रो का सफ़र करने वाले हैं। आज पहला दिन है यात्रियों के लिए, आज मेट्रो फर्स्ट डे ओपन की गई है और आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं मेट्रो में। आज आपको मोती झील से IIT तक का पूरा सफ़र इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हम अभी गुरुदेव पैलेस से मेट्रो पकड़ रहे हैं। गुरुदेव पैलेस से मेट्रो पकड़ने के बाद हम जाएंगे IIT मेट्रो स्टेशन और IIT से वापस मोती झील। तो इस ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो का आनंद लें। ये मेट्रो स्टेशन का टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। हम टिकट यहाँ से लेंगे IIT तक की और IIT से फिर वापस टिकट लेंगे मोती झील की। गुरुदेव से IIT तक का टिकट हमें 20 रुपये का मिला। मेट्रो के किराए के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किराया 30 रुपये है, जो कि अगर आप मोती झील से IIT या IIT से मोती झील जाएंगे तो 30 रुपये किराया है। ये यहाँ पर चेकिंग हो रही है, चेकिंग के बाद हम टिकट को स्कैन करते हैं और यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। और देखिए अंदर स्टेशन का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर स्टेशन का। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया देखकर, आप भी मज़ा लें। अब मेट्रो आ गई है, मेट्रो में बैठने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार। एक अलग ही उत्सुकता है कानपुर की मेट्रो में पहली बार बैठने की, और पहला दिन आज जो यात्रियों के लिए, और हम आज इसी पर बैठने जा रहे हैं और आपको पूरा ब्लॉग दिखा रहे हैं। और ये पहले कदम मेट्रो में, एहसास एक अलग ही एहसास हो रहा है मेट्रो में बैठने के बाद। और यात्रियों को देखिए, सभी काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कि आज लगभग जितने भी लोग मेट्रो में होंगे, शायद ही कोई अपने काम से मेट्रो में बैठा होगा। सभी आज घूमने के पर्पस से ही बैठे हैं मेट्रो में। और सुबह का अभी 9 या 10 के आसपास बज रहा है और ये मेट्रो अभी हम लोगों ने पकड़ी है विश्वविद्यालय स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी हम कल्याणपुर तक जाएंगे, कल्याणपुर से वापस मोती झील जाएंगे और मोती झील से वापस गुरुदेव पे आकर हम लोग उतरेंगे। ये पूरा रहने वाला है इस ब्लॉग में जो आप देखने वाले हैं। अभी देखिए मेट्रो जा रही है और बाहर का जो नज़ारा देख रहे हैं, यकीन मानिए कि एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि जो इधर रहते होंगे UPSITC की बिल्डिंग है शायद, ये जो विकास नगर में है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी इसी तरीके के नज़ारे दिखाऊं। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि पहले दिन ही इस ब्लॉग को बनाए, पर डालने में थोड़ा देर हो गई। UPSITC की बिल्डिंग, और क्या हरा भरा, मुझे नहीं पता था कि अपना कानपुर इतना हरा भरा है।
लेकिन यहाँ देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि बहुत हरा भरा है। ये वीरेन स्वरूप का स्कूल और पीछे दलहन का शायद ये पूरा जो पड़ता है, ये दलहन के खेत वगैरह यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। रामा डेंटल सामने दिख रहा है, अलग नज़ारा, बहुत अलग, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और ये सामने फ्लैग दिखता हुआ, जो लोग यहाँ के होंगे या आसपास के होंगे, जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे तो समझ गए होंगे देख कर कि ये कहाँ का फ्लैग है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो झंडा लगा है वहाँ का फोटो दिख रहा था आपको, वहाँ का वीडियो दिख रहा था। और ये हम पहुँच गए हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर। बोल कर ही एक अलग ही एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और जब हम पढ़ने आया करते थे तो शायद कभी सोचा नहीं था कि यहाँ मेट्रो आएगी और इतनी जल्दी आएगी। तो यहाँ जो लोग पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए एक अलग एहसास होगा, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए एक अलग ही एहसास रहेगा मेट्रो का, और यात्रा भी बहुत सुगम हो जाएगी। लेकिन जो लैला मजनू होंगे उनके लिए भी एक अलग ही एहसास होगा इस कानपुर मेट्रो का। कानपुर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आराम से मोती झील पहुँच के अपना नैन मटक्का कर सकते हैं, तो अलग ही मेट्रो का आनंद लेंगे वो। और अभी ये मेट्रो जाएगी, अभी ये जो आपको दिख रहा है सामने ग्राफ, ये अभी वर्किंग पर नहीं है इस टाइम पर, बट हाँ जल्द ही ये वर्किंग पर आ जाएंगे। अभी अनाउंसमेंट नहीं हो रही मेट्रो में, उस पर भी काम चल रहा है। और ये मेट्रो अभी चल रही है, यहाँ से पहुँचेंगे जो अगला स्टेशन पहुँचेगा SPM मेट्रो स्टेशन। ये यूनिवर्सिटी दिख रही है, देखिए सामने फ्लैग यूनिवर्सिटी का, आपको एक सुंदर दृश्य दिख रहा होगा, पेड़ों के पीछे छुप रही है। वैसे यूनिवर्सिटी बहुत ही सुंदर है, अगर इसका सही से फ़ोटो पूरा लिया जाए ऊपर से तो बहुत ही अच्छा है। कानपुर UP 78 ने कई बार ऊपर से फ़ोटो इसका शेयर भी किया और बहुत अच्छी तस्वीर आती है। और कई सारे अलग अलग कैंपसेस दिख रहे हैं यूनिवर्सिटी के। ये दलहन अनुसंधान दिख रहा है सामने, और ये दूसरी साइड से हम लोगों ने फुटेज लिया हुआ है, ये बगिया क्रॉसिंग की तरफ से आपको फुटेज दिखा रहे हैं हम। और सामने जो दिख रहा है वो आवास विकास कार्यालय है, और ये SPM मेट्रो स्टेशन पर हम लोग आ गए हैं। ये बगिया क्रॉसिंग के जस्ट सामने मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। जो लोग भी कल्याणपुर के आसपास रहते होंगे तो उनको पता होगा कि ये मेट्रो स्टेशन उनके लिए क्या अहमियत रखता है। और SPM से अभी हम चल दिए हैं, या आपको पूरी मेट्रो दिखाने की कोशिश करेंगे आगे से लेके पीछे तक कैसी दिखती है। SPM से हम चले हैं, अगला मेट्रो स्टेशन जो आएगा वो कल्याणपुर रेलवे स्टेशन रहेगा। ये एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है, इसकी खासियत मैं बताऊँ तो रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन बिल्कुल आमने सामने है। ऊपर से भी हम लोगों ने इसके वीडियोज़ लिए हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के। और अंदर एक अलग ही उत्सुकता दिख रही है लोगों में। ये बाहर देखिए, ये कल्याणपुर रेलवे स्टेशन निकल रहा है जैसा मैं बता रहा था। अब मेट्रो स्टेशन पर रुकेगी और यहाँ से सीधे कल्याणपुर आपको रेलवे स्टेशन भी दिखेगा। तो मुझे ये अपने आप में एक अनोखा मेट्रो स्टेशन हो जाएगा। जो लोग फरुखाबाद कन्नौज की तरफ जाते हैं या फरुखाबाद कन्नौज से आते हैं वो सीधे कल्याणपुर पे उतर कर यहाँ से मेट्रो पकड़ कर कहीं भी जा सकते हैं पूरे कानपुर में, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से, बिना ट्रैफिक के। तो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मेट्रो के अंदर देखिए कितनी चहल पहल है, लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में आज पहला दिन है मेट्रो में बैठने का, तो सभी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मेट्रो स्टेशन के साथ कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप उतरकर डायरेक्ट ट्रेन भी पकड़ सकते हैं और डायरेक्ट मेट्रो भी पकड़ सकते हैं। यह है कल्याणपुर रेलवे स्टेशन। अब मेट्रो कल्याणपुर से चल दी है। ये रेलवे स्टेशन आप नीचे देख रहे हैं। अब ये जाएगी आईआईटी, जो कि पहला मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, जहाँ पे मोदी जी भी आए थे। मोदी जी ने यहीं से मेट्रो पकड़ी और जिसके बाद फिर वो गीता नगर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर वो अपने गंतव्य तक गए। देखिए यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग भी साफ दिख रही है, सामने गोवा गार्डन वगैरह पूरा दिख रहा है आपको। अच्छा नज़ारा दिख रहा है कानपुर का, बहुत ही अच्छा नज़ारा। मैं यकीन मानिए, आप सोचा भी नहीं होगा कि अपना कानपुर इतना खूबसूरत लगता है। मेट्रो पर बैठने के बाद कानपुर एक अलग ही तस्वीर दिखाता है, अलग ही तरीके से दिखता है। ये शुगर इंस्टीट्यूट की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं शुगर इंस्टीट्यूट के, जो मेट्रो से लिए गए हैं। जो लोग इधर कल्याणपुर की तरफ रहते होंगे, जो लोग कभी शुगर इंस्टीट्यूट के अंदर गए नहीं होंगे, उनको ऊपर से देखने के बाद पता लग रहा होगा कि अरे ये तो इतनी सुंदर जगह है। ये मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कभी इसके अंदर गया नहीं हूँ और बहुत अच्छा लगा देखकर। ऐसी बहुत सारी जगहें हमको देखने को मिली जो हमने कभी सोची भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी कि वो ऐसी भी होंगी। ऊपर से कल्याणपुर का नज़ारा आया, आईआईटी की तरफ जा रहे हैं और आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आपको पूरा स्टेशन दिखाएंगे, क्योंकि इस स्टेशन पर बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। मेट्रो के बारे में पूरा दिखाया गया है कि मेट्रो कैसे बनी, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। अभी हम पहुँच गए आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ पर हम उतरेंगे और आपको मेट्रो के बारे में पूरी चीज़ें, कैसे मेट्रो बना है, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ एग्जीबिशन टाइप का यहाँ पर लगा रखा है, जब से मेट्रो बनना स्टार्ट हुई, कैसे बनी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये देखिए पॉलिटेक्निक यार्ड, जो यार्ड बना हुआ है जहाँ पर सारी मेट्रो रात में जाकर खड़ी होंगी, यहीं पर साफ़ सफाई होगी, यहीं से मेट्रो चार्ज होंगी, जो भी इनमें दिक्कत आएगी यहीं पर सॉल्व की जाएगी। ये मेट्रो यार्ड देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है, ये पॉलिटेक्निक में ये बना हुआ है, पॉलिटेक्निक गुरुदेव चौराहे के पास, और ये देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक डेमो मेट्रो भी लगाई हुई है और मेट्रो भी देखने में, एक अगर आप एक पल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रियल मेट्रो है ये, कितना सुंदर है ये। और यहाँ पर आईआईटी मेट्रो स्टेशन में इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, कुछ मैप्स वगैरह भी लगा रखे हैं, कुछ मेरी समझ में आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ये मैप मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है। और अब हम चलते हैं मोती झील की तरफ, वापस पकड़ते हैं मेट्रो। और इस ब्लॉग के साथ बने रहिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो बने रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए।
गीतानगर मेट्रो स्टेशन, जहाँ जो कहा जाए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशन है यहाँ के लिए, क्योंकि यहीं से मेट्रोज जो हैं वो यार्ड में जाएंगी, जो पॉलिटेक्निक में यार्ड बना हुआ है वो गीतानगर से ही जाएंगी, और गीतानगर के बाद पड़ेगा रावतपुर मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर काकादेव के जाने आने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। गीतानगर भी बहुत उपयोगी रहेगा काकादेव के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए, तो काफ़ी उपयोगी रहेगा। मैं इसी तरीके से बीच बीच में आता रहूँगा और आप मेट्रो के सफ़र का आनंद लें। इसको तो पहचान ही गए होंगे कानपुरवासी। अभी बीच में छोटा सा एक क्लिप आई थी, अभी बीच बीच में हमें लगता है कि और जगहों से देखने को मिलता रहेगा। जेके टेम्पल था और ये गोल चौराहा अपना, ये देखिए जेके टेम्पल भी दिख रहा है मेट्रो से, चोटी दिख रही है। और अब अगला स्टेशन हैलेट हॉस्पिटल का आएगा, जो जिन लोगों को हॉस्पिटल वगैरह जाना रहता है हैलेट, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कौन सी जगह है, ये है अपना मोती झील। देखिए ऊपर से दिख रहा है, मोती झील की झील दिख रही है, तो जिसकी मैंने चर्चा की थी उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल जगह है मोती झील, और काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं यहाँ आसपास मोती झील में, तो मोती झील भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन रहने वाला है कानपुर के लिए। और यहाँ पर हम एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं उनसे, वो क्या कहते हैं और कानपुर के लिए क्या वो बताएंगे उसको भी ध्यान से सुनिए।
ये है अभी तक का सबसे लास्ट मेट्रो स्टेशन मोती झील, और यहाँ से अब आगे भूमिगत मेट्रो बन रही है, यानी कि ज़मीन के नीचे मेट्रो बन रही है, और यहीं से दूसरे रूट की भी मेट्रो रहेगी नौबस्ता जाने के लिए। तो यहाँ से नौबस्ता की मेट्रो भी मिलेगी बटांगे। हाय, क्या हाल है तुम्हारे? सर बढ़िया। कानपुर यूपी 78 से जी जी हम जानते हैं भाई। जी जी मैं फॉलो भी करता हूँ और बहुत सारे वीडियो अच्छे अच्छे आते भी हैं। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे। नहीं तो करिश्मा अभी शो कर रही है, तो उसका ध्यान एक्चुअली पूरी ब्लॉग पे रहता है। आरजे का काम यही है, उस वक्त वही रहता है। सो थैंक यू सो मच, तुमने दोनों पेज से लाइव वाइव कर लिया आई थिंक, एक तरफ इंस्टाग्राम एक तरफ फेसबुक। जी जी ऐसा हो कानपुर यू पे 78 आराम से फॉलो करो यार, ये लोग खोज खोज के अच्छे वीडियोज लाते हैं, मेरे भी वीडियोस डालते हैं, अच्छा लगता है, और ऐसे शेयर करते रहिए। सो ऐसा करते हैं, प्लान करेंगे तो यार लाइक नहीं नहीं अरे तो बहुत सब सुन यही बात है। ये बताओ आज पोस्ट में हमारी पिक्चर लगाने वाले हो? मेरे तो ये बताओ। चलो चलो रेडियो से 104.8 पे करिश्मा के साथ हुआ और राघव भी मेरे साथ, और मेरे साथ एक और जो है आपका नाम रवि जो है, बहुत अच्छा कानपुर यूपी 78 इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह है। इंस्टाग्राम फेसबुक आप कहीं भी जाए कानपुर यूपी 78 अगर आप फॉलो करते होंगे। सो इस टाइम रवि हमारे साथ है, तो रवि ये बताओ आज जो तुमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की कब तक हम देख सकते हैं तुम्हारे पेज? मैम बस ये अभी आधे घंटे में आ जाएंगी। आ जाएंगी और बहुत ही शानदार, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अपने शहर की मेट्रो में बैठने का एक अलग ही मजा है। तो मेट्रो की पिक्चर क्लिक करी, अंदर से सेल्फी बहुत 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 सेल्फीज लिए, बहुत वीडियो, एक सेल्फी भाई बनती है, काफी सारे शॉर्ट्स हम लोगों ने लिए जो जल्दी आ रहे हैं पेज पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसा कीजिए आप इनको फॉलो कीजिए और कानपुर मेट्रो में ट्रैवल कीजिए और फॉलो करते हुए हमें भी आ जाइए, और ये रेडियो सिटी के वीडियोस भी शेयर करते हैं, खूब लाइक करते हैं, अच्छा करते हैं ये। सो थैंक यू सो मच। आपको कानपुर से जुड़ा कुछ भी देखना हो, मीम्स भी डालते होंगे घर जो, अरे तब तो बहुत मजा आने वाला है। फॉलो करो सारा कुछ आता है, फॉलो करो कानपुर यूपी 78 को और रेडियो सिटी पे आपको ये थे आरजे राघव और करिश्मा जो कि रेडियो सिटी से थे, यही सरप्राइज था। हम लोगों ने इनके साथ एक छोटा सा कोलैब किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आगे हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टा पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर जाएं और लाइक करें हमारे पेज को, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको पूरे कानपुर को दिखाते रहेंगे।